गाइस, सिर्फ इन दो चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए मेरे बताए हुए इस तरीके से, आपका पुराने से पुराना पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन के ऊपर है, डलनेस के ऊपर है। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा बेजान हो चुकी है तो वो आपकी स्किन पर बहुत अच्छी क्वालिटी में ग्लो लेकर आएगा। क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास मेल्स आते हैं कि पिगमेंटेशन दी इतनी ज्यादा हो गई है, तरह तरह के ट्रीटमेंट करवा के थक चुके हैं, इनफैक्ट इतना ज्यादा पैसा भी खर्च कर लिया और रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। तो हमारे किचन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके इस्तेमाल का अगर हमें सही तरीका पता हो तो हम अपनी स्किन का, बालों का, पूरे शरीर का इलाज घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक संतरा और साथ में मैंने लिया है एक नींबू। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी जितनी भी ज्यादा पिगमेंटेशन हो, कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन हो, उसको ये जड़ से खत्म कर देगी। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपके फेस पे अनइवन स्किन है, पिंपल्स के मार्क हैं, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल पड़ चुकी है, काली परत आ चुकी है, उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव करेगी। तो फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका छिलका निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका छिलका यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले वॉश करना, देन उसके बाद ही आपको उसका छिलका निकाल कर उसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपको इसका सारा छिलका निकाल लेना है। ठीक है, और हमें संतरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे ही सेम आपने लेमन को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। बेसिकली हमें इन दोनों का छिलका चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना फायदा लेमन में होता है उससे कहीं ज्यादा फायदा उसके छिलकों में होता है। सेम ऐसे ही ऑरेंज के छिलकों में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये आपके स्किन के कलर को लाइटन करके ब्राइटन करने का भी काम करेगा और आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि आपको पता ही है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो आपके सारे पिगमेंटेशन को अच्छे से रिमूव करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिक्सी में डाल लेना है, मिक्सी के जार में। अब आपने इतने बड़े साइज का चम्मच लेना है और उसको एक चम्मच आपने पूरा एलोवेरा जेल से फिल कर लेना है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप वही यूज कर सकते हैं मेरी तरह, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 6 चम्मच कच्चा दूध। जैसे आपको पता है ये कच्चा दूध आपकी स्किन से सारी डलनेस को हटाता है, आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग लुक देता है। और उसके बाद इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, ग्राइंडर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, कितना अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन चुका है। आप इसको 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, विंटर्स में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं या फिर समर में, लेकिन आप फ्रिज से पहले इसको बाहर निकाल दें और उसके 1-2 घंटे बाद इसका यूज करें ताकि आपको ज्यादा ठंडा फील ना हो। और समर्स में यूज कर रहे हैं तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जब भी आप इसको फ्रिज में स्टोर करें तो मेक श्योर आप इसको किसी कांच के बाउल में या किसी शीशी में स्टोर करें, वैसे आपको स्टोर नहीं करना किसी भी और बर्तन में। इसको किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी उंगलियों की सहायता से अपने इस तरीके से पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूंगी। आप चाहे तो उसको ओवरऑल बॉडी पे भी कर सकते हैं, सपोज अगर आपकी बाजू बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, डार्क हो चुकी है, सनबर्न हो चुका है, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या अपनी काली गर्दन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद 15 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें और एलोवेरा जेल उसके बाद या कोई भी आपका जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सो जाएं। मेक श्योर जब भी आप कोई पैक अप्लाई करते हैं अपने फेस को जरूर अच्छे से क्लीन करें, या तो रोज वाटर से, एलोवेरा जेल से या फिर फेस वॉश की हेल्प से, ताकि हमारे फेस पे कोई भी डस्ट और इम्प्योरिटीज ना हो। तो अब जान लेते हैं इसको वीक में लगाना कितनी बार है। वीक में इसको अप्लाई करना है कम से कम 2 से 3 दफा। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल की है या आपकी 25 साल की है या फिर 60 साल की है तो भी आप इसको इजीली इस्तेमाल करके अपने फेस की रंगत को, पुराने से पुराने पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो जमकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा अकाउंट है IIIshaMehra। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।